तो अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ना, तो भाई थोड़ी सी एक्साइटमेंट को ऐसा जेब में रखो, कहीं मतलब रख दो थोड़ी देर के लिए। तो फाइनली दोस्तों, ये रहा हमारे पास नथिंग वन, जो अभी फिलहाल हाथ में नहीं है। तो एक्चुअली मैंने ना इसका जो पास था ना, वो बाय कर लिया था, और हम लोगों ने उसके जरिए ना फोन को ऑर्डर कर दिया है। और लाइक वो आ जाएगा, लाइक कब तक आएगा? 23rd। हाँ, सो 23rd का आएगा। सबसे बड़ा कांड लेकिन ये हुआ कि व्हाइट वाला नहीं मिला, हम लोग को ब्लैक वाला परचेस करना पड़ा। पता नहीं क्या इश्यूज था, मे बी स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा ज्यादा, या फिर कुछ हाइप होगी इसमें भी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नथिंग के अभी तक ये मेरी पहली वीडियो है। मैंने इसके पहले एक भी वीडियो नहीं बनाई है, और मैंने हमेशा यही कहा है कि कोई भी ब्रांड अगर मार्केट में आ रहा है तो इतनी ज्यादा हाइप कर रहे हो तो पहले देख लो कि प्रोडक्ट आने के बाद में क्या वो हाइप करने लायक था। यस, कालपाए लेकर आ रहे हैं। तो जिनको नहीं पता कालपाए कौन है, तो बेसिकली जो OnePlus को पूरा खड़ा किया है, और जब उसके बाद वो OnePlus को छोड़ के गए, और उसके बाद में जो OnePlus बैठा है ना भाई, वो लिटरली अभी सोने के कगार पर आ चुका है। और यहाँ पर ये फोन किस तरीके से स्टैंड आउट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो अपने इंडियन क्रिएटर हैं, उनकी वीडियो लाइव हुई है, और थोड़ा बहुत वहां से जजमेंट निकाल के, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस निकाल के, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि क्या भाई ये सच में एक गेम चेंजिंग फोन है, वो पता चलेगा आपको। और रिव्यू तो हम लोग का आएगा, जब हम लोग खुद अपने पैसे से बाय करेंगे ना, तब आप लोगों को रिव्यू जेन्युइन देखने मिलेगा, क्योंकि अभी के पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। इवन लोग मतलब जो क्रिएटर्स है ना, वो ट्विटर पे जाके लड़ रहे लिटरली कि भाई तूने कैसे ब्रे एम्बार्गो वगैरह जो भी सीन चल रहा था। तो प्राइस कितना स्टार्टिंग किया, तो कुछ अराउंड 32,000 रुपीस, वो 30,000 तो ऑफर के बाद है, और उसके बाद में हायर वेरिएंट वगैरह आते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूंगा हायर वेरिएंट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट सेल के लिए जो HDFC का कार्ड वगैरह लगाओगे तो 2,000 रुपीस और ऑफ हो जाएगा, फोन तो मिल जाएगा, पर ना ही कोई ट्रांसपेरेंट कवर मिलेगा, और ना ही फोन का चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा, सिर्फ केबल मिल जाएगी। चार्जर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, जो 2500 रुपए का मिल रहा है, बट अगर आपने फ्री पास वगैरह जो लिया था ना, उसमें आपको चार्जर 1500 रुपए का मिल रहा है। मतलब जो एक्स्ट्रा एसेसरीज है वो आपको 5000 रुपए का खर्चा पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा हाइप हम लोगों ने किया, मतलब मैंने तो नहीं किया है सच बताऊंगा, पर जो दूसरे बाकी क्रिएटर लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप कर दिया इसको। एक्चुअल बोलूंगा ना, इतना भी कुछ ज्यादा नहीं था, सिर्फ इसका डिजाइन को लेकर है कि यस इसका डिजाइन एक फैक्टर है, और पीछे के जो लाइटिंग वगैरह को लेकर जो ग्लिम्स दिए ना, वो यस एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी है। और बहुत दिनों के बाद में जो बोरिंग बोरिंग फोन्स आ रहे थे, एक इंटरेस्टिंग और एक अलग तरीके का फोन दिखने मिला। तो बहुत टाइम से चल रहा था 7th Gen+1 वगैरह प्रोसेसर वगैरह आने वाला, बट फाइनली आया स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर, और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में OLED डिस्प्ले है, और जो स्क्रीन साइज है वो भी एक कॉम्पैक्ट निकल कर आता है। फोन का ओवरऑल वेट भी 200 ग्राम पर है, और जो पूरा डिजाइन है ना, जो मैं स्टार्ट से मतलब मैं ट्विटर वगैरह पे था, तो वहां पर मैं बोले जा रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा कि लाइक अपना ये आईफोन वगैरह से मैच कर रहा है मतलब, बट जो साइड का पूरा फ्रेम कैमरा मॉड्यूल वो 11 आईफोन 13 या 12 जैसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को। अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ना, तो भाई थोड़ी सी एक्साइटमेंट को ऐसा जेब में रखो, कहीं मतलब रख दो थोड़ी देर के लिए। अभी देखो 30,000 के अंदर अपने पास मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे फोन्स हैं, फॉर एग्जांपल iQOO Neo 6 है, Poco F4 है, और अभी एक तो लॉन्च नहीं हुआ है बट लॉन्च होने वाला है, और इसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, जो है Redmi K50i, और इसके अंदर Dimensity 8100 का प्रोसेसर आएगा। तो उसका जो एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर है वो 752,000 पर आता है। सो जो K55 है ना, रूमर्स यही है कि 25,000 के अंदर हमें देखने मिलने वाला है। अगर इसे iQOO Neo 6 के साथ भी मैं कंपेयर करूंगा ना, तो जो GPU का स्कोर है ना, मुझे K50i के अंदर ज्यादा बेटर मिले, और जो CPU का स्कोर है वो मुझे ज्यादा बेटर मिला iQOO Neo 6 के अंदर। पर वही जो अपना ये भाई साहब है Nothing One जो फोन है, उसका जो Android बेंचमार्क आता है ना, वो नियर बाय 5,91,000-6,00,000 के आसपास में आ रहा है। इतना है कि ये फोन इस प्राइस के अंदर इतना भी पावरफुल आपको नहीं मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 778G प्लस प्रोसेसर है ना, ये अच्छा प्रोसेसर है, पर इतना है कि थोड़ा सा आपको महंगा मिल रहा है, क्योंकि यही सेम प्रोसेसर हमें मोटो H30 के अंदर मिलता है, और जो कुछ अराउंड 28,000-27,000 रुपीस में वो फोन मिल जाता है। हालांकि उसकी बात अलग है और इस फोन की बात डिफरेंट है पूरी। तो मेरा बस इतना है कि ये प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा हल्का सा मिलता है, बट उसकी जगह आप लोगों को लाइक जो ग्लिप्स वगैरह है वो मिल जाती है, जो एक मस्त अलग एक पूरा काम निकल कर आता है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें नीचे है, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर भी है यहाँ पर। बाकी इसका जो सर्विस सेंटर वाला सीन चल रहा था, जिसको लेके ज्यादा पब्लिक मतलब क्यूरियस रहेगा कि भाई फोन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ जाए, Nothing की वेबसाइट मैंने जाके चेक किया था कि जो थर्ड पार्टी रहता है ना, वेंडर्स को दे दिया है कि भाई आएगा तो संभाल लेना। तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि जब हम लोग इसका रिव्यू आप लोगों को लेकर आएंगे, अनबॉक्सिंग वगैरह लेकर नहीं आने वाले, कुछ का कोई मतलब नहीं होगा, रिव्यू सीधा आप लोगों के सामने पुश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो कमेंट के अंदर कर देना, और मेरे पास आसपास में इसका कोई डिवाइस होगा कंपेयर करने के, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग को चेक करना है ना कि इसका रिव्यू कब आने वाला है और वो सब चीजें, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे बता दूंगा स्टोरीज के थ्रू कि भाई अभी फोन आ गया, टेस्टिंग चालू है, ये वो वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों को कुछ ऐसे मस्त क्रेजी डील्स वगैरह में
भी इंटरेस्ट रखते हो ना कि टेक वगैरह में, अरे वाह मस्त ये चीज मिल जाएगी, तो उसके लिए टेलीग्राम का नीचे लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लो। मस्त में वहां पे मस्त क्रेजी क्रेजी डील डालते रहते हैं आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपको कुछ इसी तरीके से और वीडियो चेकआउट करनी है तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय।